आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के पहले कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, जो पिछली कक्षाओं में अपन ने कुछ पढ़ा है, आइए उसका हम रिपीटेशन करें। पहली संख्या है, सामान्य तौर पर मनुष्य को सभ्यता के दौर में जैसे जैसे आगे बढ़ा उसको विभिन्न प्रकार के अंकों की संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। इस क्रम में प्रारंभिक संख्या जिसको हम गणन संख्या भी कहते हैं, या प्राकृत संख्या जिसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे, एक दो तीन चार से लेकर इसमें वो सारी संख्या सम्मिलित है जिसको कि हम पढ़े बोल सकते, लेकिन इसमें अनंत शामिल नहीं है, करोड़ों शामिल है, अरब शामिल है, जिन संख्याओं को हम बोलेंगे। सभ्यता के दौर में शुरुआत में गिनने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन इसके बाद में जैसे जैसे और सभ्यता आगे बढ़ी तो कुछ नहीं है की संकल्पना का निर्माण हुआ। कुछ नहीं है को दर्शाने के लिए एक शून्य जिसको कि आर्यभट्ट ने दिया, और जैसे ही प्राकृत संख्या में अर्थात एन वाले अंक में शून्य का समावेश हुआ, इसको हमने जेड संकेत से प्रदर्शित किया, और इसको हमने कहा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पहले प्रकार की संख्या थी हमारे पास प्राकृत संख्या, दूसरे प्रकार की संख्या हमारे पास थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद सभ्यता के दौर में आगे जिस प्रकार से आज हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंकों से या अन्य लोगों से किसी प्रकार के उधार की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को अन्य लोगों से किसी वस्तु को लेने या देने के लिए जब इस प्रकार का लेन देन प्रारंभ हुआ तो एक संकेत बनाया जिसको हम डेस साइन या जिसको हम ऋण चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो अब ऋण चिन्ह की संख्याओं को दर्शाने के लिए इन्हीं संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, और ऋणात्मक चिन्ह जैसे ही इन संख्याओं के आगे लगा तो उसको हमने पूर्णांकों का समुच्चय कहा, जिसको कि हमने संकेत आई से प्रदर्शित किया। इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल है, इसमें धनात्मक संख्या भी शामिल है। इस प्रकार से ऋण और धन दोनों प्रकार की संख्या पूर्णांक संख्या में शामिल है। ध्यान से अगर हम देखें तो हम पाते हैं n प्राकृत संख्या में शून्य का समावेश होने से वो पूर्ण संख्या होगी, शून्य वाली संख्याओं के पहले अगर ऋणात्मक अंक प्रारंभ हो गए तो वो पूर्णांकों का समुच्चय है। आगे चल के सभ्यता के दौर में विभिन्न प्रकार के बंटवारा की पद्धति है। अब इस बंटवारा को कैसा किया जाए, यदि ध्यान दें हम आठ रोटी लाए हैं और चार लोग हैं तो प्रत्येक को दो दो रोटी आ जाएगी, ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। लेकिन आठ रोटी है और हम तीन लोग हैं तब बंटवारा पूर्णांकों के इसमें नहीं होगा। इस प्रकार की संख्या को दर्शाने के लिए एक अन्य प्रकार का जिसको कि हमने परिमेय संख्या कहा, इसमें संख्या एक अंश में होती है दूसरी घर, दो पूर्णांक संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याओं का समावेश हो सकता है। यहां हमने केवल दो ही संख्या से लिखा, कहने का मतलब है शून्य और एक के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन हमने केवल दो ही संख्या को दर्शाया। इसी प्रकार से और भी ढेर सारी संख्याएं इसमें शामिल होगी, इसमें धनात्मक भी परिमेय संख्या हो सकती है, ऋणात्मक भी परिमेय संख्या हो सकती है, ऋण और धन का पूरा जब समावेश हो जाता है। इस प्रकार की संख्या को ध्यान से देखिए तो हमने कहा परिमेय संख्या। आगे की संकल्पना में कुछ दशमलव का निरूपण इस प्रकार से ही हुआ, जिसमें अगर ध्यान दें इन दशमलव निरूपण वाली संख्याओं को ध्यान से अगर हम समझें तो इनको भी हमने परिमेय संख्या ही कहा। जैसे कि मान लो शून्य, शून्य दशमलव एक, शून्य दशमलव दो, शून्य दशमलव तीन, या
ऋण शून्य दशमलव एक, ऋण शून्य दशमलव दो, ऋण शून्य दशमलव तीन। ध्यान दीजिए ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको ध्यान से अगर देखें तो हम पाते कि ये परिमेय संख्या कुछ इस प्रकार से है। शून्य दशमलव तीन मतलब ऋण तीन बटे दस, ऋण शून्य दशमलव दो मतलब ऋण दो बटे दस, ऋण शून्य दशमलव एक मतलब ऋण एक बटे दस, शून्य शून्य दशमलव एक मतलब एक बटे दस, शून्य दशमलव दो मतलब दो बटे दस, शून्य दशमलव तीन मतलब तीन बटे दस। इस प्रकार की संख्या को भी ध्यान से देखिए तो दशमलव निरूपण वाली संख्या है जरूर, लेकिन ये भी परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। परिमेय संख्या में एक और प्रकार की संख्या का उदाहरण आता यदि हम देखें तो ध्यान से समझे तो हम पाते हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार की भी संख्या होती है, जैसे कि मान लो शून्य दशमलव तीन और तीन के ऊपर बाढ़ का चिन्ह। इस बाढ़ का चिन्ह का मतलब है यदि हम इधर समझे इसको तो शून्य दशमलव बाढ़ तीन का मतलब होता है कि शून्य दशमलव तीन की आवृत्ति अनंत बार। तो ध्यान दीजिए ये शून्य दशमलव बार तीन, शून्य दशमलव बार चार, शून्य दशमलव बार पांच ये धनात्मक हो सकती है या ये ऋणात्मक भी हो सकती है। परिमेय संख्या का भी ये उदाहरण है, पर ध्यान से समझने का यदि हम प्रयास करें तो हम पाते हैं इस प्रकार की परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में निरूपण करने के कारण हम इसका कहते हैं कि ये जो संख्या है इस संख्या का दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण है। इस संख्या का भी शांत दशमलव निरूपण है लेकिन इस संख्या का दशमलव निरूपण अशांत है, लेकिन अशांत के साथ साथ अंक की आवृत्ति हो रही है इसलिए हम इसको कहते हैं अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव निरूपण। अशांत तो है लेकिन अशांत के साथ साथ इसका आवर्ती दशमलव निरूपण है, क्योंकि शून्य दशमलव बार तीन का मतलब है शून्य दशमलव तीन 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 अनंत बार, जितने बार हम लिख नहीं सकते इसलिए इसके ऊपर बार का चिन्ह है। इसी अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण में एक और प्रकार की संख्या है जिसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण। अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण, इस अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण को हमने जो नाम से पुकारा उसको कहा हमने अपरिमेय संख्या। इसका अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो ये जो अपरिमेय संख्या है कुछ इस प्रकार की है जिसमें हमने पाए को सम्मिलित किया है, पाए का शांत अनावर्ती दशमलव निरूपण का उदाहरण है, करणी दो इसमें आता है, करणी तीन इसमें है, करणी पांच इसमें है, करणी छह है, करणी सात है, इसमें धनात्मक संख्या भी है और इसमें ऋणात्मक संख्या भी है। अनंत तक की धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, लेकिन ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसके ऊपर अगर करने की लग जाए तो वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण बन जाता है। और इस अपरिमेय संख्या को हम इस प्रकार के अंकों से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए अब हम देखें कुछ अन्य प्रकार की संख्या जिसमें पहली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अगर ध्यान से हम समझने का प्रयास करें तो अभाज्य संख्या
संख्या के अलावा एक का भाग जाए और अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, ऐसी सारी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या दो है, तीन है, पांच है, सात है, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जितने प्रकार की अभाज्य संख्या ध्यान से देखें तो हम पाते हैं इसमें भी अनंत संख्या है। कोई भी एक अभाज्य संख्या का उदाहरण देखे, जैसे सात को ध्यान से देखे तो सात में एक और सात के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। ध्यान दीजिए अंक अगर अपन देखे पांच, तो पांच में एक का भाग जाता है और पांच का भाग जाता, अन्य किसी का भाग नहीं जाता। ध्यान रखे दूसरे प्रकार की संख्या इसमें आती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें उस संख्या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए। जैसे अंक हमारे पास है चार, अंक हमारे पास है छह, अंक हमारे पास है आठ, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब ध्यान से देखें इन अंकों का जब अपन विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे इन अंकों के विश्लेषण से, जैसे एक अंक लिया आठ, आठ में अगर देखें हम तो आठ में एक का भाग भी जाता है, दो का भाग भी जाता है, चार का भाग भी जाता है और स्वयं आठ का भी भाग जाता है। एक और आठ के अलावा इसमें दो और संख्या ऐसी है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। अंक यदि हम देखें छह, तो छह में एक का भाग भी जाता है, दो का भाग भी जाता है, तीन का भी जाता है और छह का भी भाग जाएगा। अंक देखिए जैसे चार, चार में एक का भाग जाएगा, दो का भाग जाएगा और स्वयं चार का भाग जाएगा। अभाज्य संख्या वो संख्या जिसमें उस संख्या के अलावा एक का भाग जाए और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। अब बारी आती है एक ऐसी संख्या की जिसको न तो हम भाज्य और अभाज्य दोनों भी ना, एक ऐसा है जो कि भाज्य की श्रेणी में भी नहीं रखा है और अभाज्य की श्रेणी में भी नहीं रखा है, वो अंक हमारे पास है एक। एक ऐसा अंक है जो ना तो भाज्य की श्रेणी में है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में। कुछ और प्रकार की संख्या को हम जानते हैं जैसे कि सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, दो से विभाजित होने वाले पूरे अंक, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, सम संख्या के उदाहरण में सम्मिलित। फिर दूसरे प्रकार की संख्या जिनको कि हमने कहा विषम संख्या, इस प्रकार की संख्या जिसमें दो का भाग ना जाता, जैसे कि एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, इसी प्रकार से ऋणात्मक, ऋण एक, ऋण तीन, ऋण पांच। यदि उपरोक्त प्रकार की पूरी संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, पहले का मतलब प्राकृत संख्या एन में शामिल, जीरो अगर शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या, उसमें ऋणात्मक शामिल हो जाए तो पूर्णांक संख्या, उसमें अंश और हर अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली संख्या शामिल हो जाए तो वो परिमेय संख्या, उसी में अगर हम इस आसान अनावर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्या को भी शामिल कर ले जिसे भाज्य अभाज्य सम विषम सब आ जाए, तो उसको एक हम अन्य नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। इस रियल नंबर में शून्य भी शामिल है, धन एक बटे चार भी शामिल है, एक बटे दो भी शामिल है, एक भी है, दो भी है,
से अनंत तक। इसके अलावा इसमें शामिल है करणी योग, करणी की से लेकर अनंत तक की संख्या, इसमें ऋणात्मक है ऋण एक बटे चार, ऋण एक बटे दो, ऋण एक ऋण दो, साथ ही साथ करणी वाले हैं ऋण करणी दो ऋण करणी की से लेकर अनंत तक की सारी संख्या शामिल है। तो जिस चैप्टर को हमारे कक्षा दसवीं में पहले चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सबको यदि शामिल कर दिया जाए तो बनता है वास्तविक संख्या। आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन।